पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व किया। पार्ट नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी और इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हम लोगों ने इसको चेक करना है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना, उसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर सीरीज, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखना है आज। तो पार्ट नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ पे सॉल्यूशन करते हुए अपने इसका एक्स का आंसर निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आपका काम क्या है, एक्स का आंसर निकालना है। अब एक्स का आंसर कैसे निकला, क्योंकि हम लोगों ने पहले रेडिकल को खत्म करना है। तो रेडिकल आपके पास बेसिकली बराबर होता है अंडर रूट इज इक्वल टू 1/2। ये जो अंडर रूट होता है ना, इसको रेडिकल भी पढ़ते हैं। तो ये 1/2 के बराबर होता है। जब रेडिकल की इधर कोई चीज आ जाती है तो वो यहाँ पे चेंज होगी, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग 3 को इधर ही रखेंगे, क्यूबिंग हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, क्यूबिंग करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने लिखना है क्यूबिंग 1 बोथ साइड, ठीक है। लिखना है क्यूबिंग 1 बोथ साइड, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने लिख लिया ताकि हमें पता चले क्या क्या है, ठीक है। 3√x-2 का होल क्यूब, ठीक है। ये क्यूब और अंडर रूट कट जाएगा, ये क्यूब और अंडर रूट कट जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास 2x+3 = x-2, ये चीज आ जाएगी, सही है। कटिंग होने के बाद ये चीज आ गई, 2x-x = -2 - 3 आ जाएगी, सही है। हम लोगों ने वेरिएबल को एक साइड पे शिफ्ट कर दिया और कॉन्स्टेंट को दूसरे साइड शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इधर प्लस हो रहा था माइनस, और वो इधर माइनस हो, प्लस हो रहा था जाके माइनस हो गया, ठीक है। तो 2x-x = x और यहाँ पे -5 आ जाएगा। तो x का आंसर जो आपके पास आया ना, इसको आप लोगों ने पुट करना होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चेक करते हुए, चेक करते हुए आप लोगों ने क्या करना होगा कि आपके पास जो आंसर आया ना, चेक करेंगे हम लोग उसको। तो आपके पास जो आंसर आया है ना x का, वो हम लोग क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे वेरिएबल है वहां पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 3√2x की जगह क्या आ जाएगा, 5 - 5 का, और यहाँ पे +3 आ जाएगा, ठीक है। ये चीज आ गई, आपके पास -5 तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि माइनस आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो फिर हमारे पास इमेजिनरी बचते हैं, बट हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है। और 3 अंडर रूट और एक्स की जगह आ जाएगा -5 एंड यहाँ पे -2 आ जाएगा, ठीक है। -5 एंड -2, ठीक है। तो 3 अंडर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -10 + 3 = 3 - 7, ठीक है। तो ये आ गया -5 - -2, और ये 3√-10 + 3 - 7 = 3√-7, ठीक है। तो ये शो करेगा आपके पास दोनों साइड इक्वल आ गई, बट मैं इस वजह से कंफ्यूज हो गया था क्योंकि हमारे पास देखिए अगर रेडिकल के अंदर आपके पास माइनस आ जाए तो वो इमेजिनरी हो जाता है, क्योंकि उसमें एरोटे का हमारे पास फिर ऐड हो जाता है। तो हम लोगों ने एरोटे को थोड़ा सा अवॉइड कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट हमारे पास नेक्स्ट है, ठीक है। आप लोगों ने टी को वेरिएबल एज वेरिएबल देखना, अब ये आपके पास क्यूबिंग फिर होगी, ठीक है। क्यूबिंग कर लेंगे आप लोगों ने, तो आपके पास जो चीज बचेगी वो 2 - t, ठीक है, क्योंकि क्यूब के साथ कट जाएगा और यहाँ पे 2t - 28 बचेगा, ठीक है। अब t वाले एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, -2t इधर आके माइनस का हो गया, -t इधर ही पड़ा हुआ है, -28, ठीक है, और -2, ये चीज आ गया आपके पास। तो -3t हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा -28 और 2 - 30 हो जाएगा, ठीक है। और 3t माइनस और माइनस काट सकते हैं हम लोग, इक्वेशन के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 और t = 10 आ जाएगा। 10 कैसे आया जी, कि आपके पास 3t आपस में मल्टीप्लाई कर टी को उस साइड शिफ्ट, 3 को उस साइड शिफ्ट करेंगे, कटिंग होगी, तो ये चीज आ गई। अभी जो टी का आंसर है ये क्वेश्चन के अंदर पुट कर दे, ठीक है। ये चेक इसमें हम लोग पढ़ेंगे, चेक किया, ये हमारे पास चेक का प्रोसेस है, सही है। आपके पास जो टी का आंसर है हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे, तो 3 और टी का आंसर क्या है, आपके पास 2 - 10, ठीक है। ये चीज आ गई, यहाँ पे क्या आ गया, 3√2 - 10 - 28, ठीक है। तो ये आपके पास क्या जाएगा, 3 - 8 आ जाएगा, = 3√20 - 28, ठीक है। तो ये 3√-8 = 3√-8, ठीक है। तो आपके पास दोनों साइड फिर क्या होगी, इक्वल हो गए। तो इसका मतलब आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन क्या है। अब इसमें भी आप लोगों ने टी का भी आंसर निकालना है, सिंपल वही सिंप्लीफिकेशन है, बट कोशिश करें कि इसको पहले उस साइड ले जाए ताकि रेडिकल दोनों चेंज हो जाए। चेंज इस चेंज से मुराद के उधर जाएगा तो हमारे पास वो प्लस का हो जाएगा पहली बात,
इक्वल के उस साइड चला गया। और दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा, तो वो फॉर्मूला फिर सॉल्व करना आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि इसको उस साइड शिफ्ट करने। अब इसके बाद मैं स्क्वेयरिंग करूंगा, स्क्वेयरिंग आसान हो जाएगी। देखिए ये स्क्वेयर किया और ये स्क्वेयर भी, ये स्क्वेयर और स्क्वेयर करके, ये स्क्वेयर और स्क्वेयर करके, ठीक है। रेडिकल सॉरी, 2 प्लस 6 और 2t माइनस 5, ये चीज आ गई है, 2t माइनस 2t और माइनस 6 माइनस 5, तो 2t और 2t तो कैंसिल हो, तो 0 इज इक्वल टू माइनस। आपके पास अगर फॉर्मूला में पुट करने तब ये आपके पास देखिए t का आंसर ही नहीं निकला, तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो वेरिएबल का आंसर ही नहीं निकल रहा। तो वेरिएबल का आंसर जब नहीं निकल रहा, ठीक है, तो हम लोग उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, तो वेरिएबल सॉल्यूशन इज नॉट, ठीक है। हम लोग इसके नीचे ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि देखिए जब हमने वेरिएबल का आंसर निकालेंगे तो तब आगे से क्वेश्चन सॉल्व होता है ना, जब वेरिएबल का आंसर ही निकलेगा तो क्वेश्चन आगे सॉल्व कैसे होगा। अब आते हैं इसके माइनस फाइव बाई टू, आपके पास एक्स का आंसर माइनस फाइव बाई टू ना है। अब ये चीज हम लोगों ने नोट करनी है, हमारे पास ये आंसर नहीं आया, ठीक है। अब सिंपल हम लोगों ने वही चेक करना है कि हम लोगों ने स्क्वेयरिंग कर लेनी, ठीक है। स्क्वेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि रेडिकल को खत्म करना है। स्क्वेयर और रेडिकल कट जाएगा, एक्स प्लस टी डिवाइडेड बाई टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू फोर हो जाएगा, इस टू का स्क्वेयर। फिर इसके बाद ये नीचे डिवाइड होगा, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो हम लोगों ने इसको उधर जाके मल्टीप्लाई करना है, तो फोर इधर ही रहेगा और टू एक्स प्लस फाइव ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, पूरा टर्म उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। और आप ब्रैकेट इसलिए लगाओगे ताकि फोर फिर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो, ठीक है। एक्स प्लस टी टू फोर सर एट एक्स और टू फाइव सर ट्वेंटी, ठीक है, ये चीज आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि x की हम लोगों ने वैल्यू वही करना है, तो x माइनस एट एक्स, एक्स इधर आके माइनस एक्स भी हमारे पास टी भी है, सॉरी टी नहीं, ये टी नहीं है, ये एक्स प्लस वन है, सॉरी ये आपके पास एक्स प्लस वन है, ठीक है, एक्स प्लस वन, तो आपको इसको क्या पढ़ना पड़ेगा एक्स प्लस वन, ठीक है, ये चीज आप देख लेना। तो ये एक्स प्लस वन है हमारे पास, तो ये मैं तभी कहूँगी टी हमारे पास दो वेरिएबल कैसे आ गए, ठीक है, तो दो वेरिएबल यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अच्छा ये मुझे आपको मैं बता दूँ, इतनी टेंशन की हो रही है क्योंकि मेरा जो आईफोन है वो भी ट्राइपॉड से नीचे गिर गया, और ट्राइपॉड से नीचे गिरने के बाद वो मतलब प्रॉपरली ब्रोक हो चुका है ना, अभी इसके ऊपर मैं ब्रोक आईफोन के ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ, टूटा हुआ आईफोन है, ठीक है, आगे से टच भी टूट गई है, बैक भी टूट गई है। तो देखिए आईफोन आपको पता है फिर थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, तो थोड़ा सा उस वजह से मुझे जहन में वो चल रहा है, बट आई होप आप लोगों को फिर भी जाना क्वेश्चन की समझ आ रही होगी। अगर क्वेश्चन की नहीं समझ आ रही तो आप मुझे वीडियो में नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते, तो मैं यही लेक्चर में दोबारा बना लूंगा, ठीक है, ताकि थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। बट यहाँ पे अभी इस वजह से मेरे बहुत थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही है कि मेरे ट्राइपॉड से नीचे आईफोन गिर गया और आईफोन टूट चुका है बिल्कुल, बैक में और फ्रंट प्रिपेयर करूंगा फिर बना के आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा x माइनस एट एक्स इधर हो जाएगा और फिर इधर आ जाएगा ट्वेंटी माइनस वन, ठीक है, इधर माइनस वन आ गया, ये माइनस सेवन एक्स इज इक्वल टू नाइनटीन आ गया, ठीक है, तो x का आंसर क्या आ गया नाइनटीन डिवाइडेड बाई सेवन, और ये माइनस इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इक्वेशन इक्वेशन को चेंज कर देंगे, ठीक है, तो x का आंसर क्या है माइनस नाइनटीन बाई सेवन, तो माइनस नाइनटीन बाई सेवन जो आपके पास सिंपली आंसर है x x का, ठीक है, या आपके पास तो वो आप लोग क्वेश्चन के अंदर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पुट करोगे इस रेडिकल के लिए, ठीक है। तो x का आंसर आप देखते हैं माइनस नाइनटीन बाई सेवन आया, हालांकि x का आंसर उन्होंने बोला था माइनस फाइव बाई टू ना है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया, सही है। तो अब इसके बाद ये जो x का आंसर है ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, माइनस नाइनटीन बाई सेवन प्लस वन डिवाइडेड बाई इधर भी टू माइनस नाइनटीन बाई सेवन और ये प्लस फाइव इक्वल टू टू, अभी टू के बराबर इस पूरी सिंप्लीफिकेशन को लाना है। ये पूरी सिंप्लीफिकेशन आप लोग कंप्यूटर के अंदर अगर लिखे ना तब भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, अगर मतलब इसके प्रॉपरली आपके पास जो एक्सपेंसिव वाला कंप्यूटर था वो यूज करें तो उसके अंदर आपके पास फंक्शन ज्यादा था, उसके अंदर आप लोग इसको पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा इसके बाद, सेवन माइनस नाइनटीन प्लस सेवन, क्योंकि सेवन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा टू नीचे इसी तरह, ये पहले मल्टीप्लाई होगा टू नाइनटीन से, क्या होगा हमारे पास ये 40 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 2 तो हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि हम लोगों ने माइनस 19 प्लस 7 क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 12 डिवाइडेड बाय 7 और नीचे भी इसी तरह आपके पास क्या आ जाएगा माइनस 38 प्लस 5 जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 7। अब ये सिंप्लीफिकेशन आई होप आप लोगों को आनी चाहिए कि आपके पास एलसीएम कैसे लिया जाता है, ठीक है। अब ये सेवन और सेवन कार्ड थोड़ा हो जाएगा ऐसे, मतलब क्या आपके पास माइनस यहाँ पे क्या माइनस ट्वेल्व डिवाइडेड बाई सेवन मल्टी डिवाइड और ये आपके पास क्या आ रहा है माइनस थ्री डिवाइडेड बाई सेवन इज इक्वल टू टू, ठीक है ये, और अब डिवाइड की जो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो सेवन बाई माइनस थ्री
फिर माइनस 38 प्लस 35, तो ये आपके पास क्या बचता है, 3 बचता है। ठीक है, तो ये 7 और ये 7 फिर कट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, और आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 1 और 3 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 बाय सॉरी माइनस तो नहीं आना चाहिए, हाँ नीचे वाले के साथ में माइनस है क्योंकि ये माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या जाएगा, जैसे मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन सिखाई है, माइनस 12 7 तो कट कर, नीचे क्या जाएगा माइनस 3 अंडर रूट 7 और 7 कट जाएगा 2 और ये माइनस माइनस कट और 3 और 12 कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 3 और 12 कट हो गया, अंडर रूट 4 आ जाएगा, अंडर रूट 4 इज इक्वल टू 2 और अंडर रूट 4 2 का परफेक्ट स्क्वायर 2 इज इक्वल टू 2। सो आई होप आज की वीडियो में आप लोग को समझ आ चुकी होगी कैसे हम लोगों ने इसकी सिंप्लीफिकेशन की। अब बस लास्ट पार्ट में भी लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुका होगा और पूरा प्रॉपर है क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट समझ आ चुके हैं। अगर फिर भी आप लोगों को इस क्वेश्चन में कोई मसला आता है इन क्वेश्चंस में, तो मैं इसकी वीडियो दोबारा बनाने के लिए तैयार हूं। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि आज की वीडियो में थोड़ी सी मिस्टेक अगर आप लोगों को कहीं लगी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि आपको जैसे मैं बता चुका हूँ कि वीडियो बनाते हुए मेरा आईफोन बिल्कुल ट्राइपॉड से नीचे गिर गया और ट्राइपॉड से नीचे गिर के वो टूट चुका है और है भी आईफोन 11 प्रो मैक्स। ठीक है, तो वो प्रॉपरली बहुत ही एक्सपेंसिव था हमारे लिए, तो एक्सपेंसिव से देखिए यहाँ से कमा के और फिर इसको लेना तो बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, चले ये भी एक इम्तिहान था, इंशाल्लाह निकल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो अगर एक आईफोन टूट चुके तो इंशाल्लाह एक और भी दे देगा। ठीक है, तो ये मसले चलते रहेंगे जिंदगी के। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 7.2 की वो होगी। 7.2 तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।